नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गोर में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट, हर सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के ऐसे दो जिलों जहां पर निकली है ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा भर्ती। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है और हम आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये भर्ती निकली है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसका नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है सभी जानकारी देंगे, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने जो वीडियो डाले हैं कि ग्राम सर्वेयर के लिए एक और ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, पंचायत सचिव में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भर्ती निकली है। तो चलिए जानते हैं कि ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई और कौन से वो दो जिला है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, इस पर आपको सर्च करना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे आपके सामने जो है वो इस प्रकार से आपको होम पेज दिख जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ देर वेट कर देना है, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, पूरी हम एक लोड लेने देते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंस एंड FLCC यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने जैसे क्लिक किया डाउनलोड हो चुका है। अब चलते हैं हम डाउनलोड की तरफ, यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं। हम इसे जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर हमारे सामने जो फाइल में आ चुका है इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इसे ओपन कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय सात सिविल लाइन यूनिवर्सिटी रोड सागर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, क्षेत्रीय कार्यपालक सात सिविल लाइन यूनिवर्सिटी रोड सागर मध्य प्रदेश RCT एवं FLC सागर एवं नरसिंहपुर हेतु कॉन्ट्रैक्ट आधार पर आवश्यकता है। ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्था RCT सागर एवं नरसिंहपुर हेतु कार्यालय सहायक के एक एक पद है, टोटल दो पद है दोस्तों, कहाँ पर, सागर और नरसिंहपुर में। ठीक है, सागर और नरसिंहपुर में एक एक पद है। यहाँ पर योग्यता कंप्यूटर ज्ञान के साथ साथ BSW BCom या BA होना चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान आपको होना चाहिए, BSW होना चाहिए या BA होना चाहिए या BCom होना चाहिए। आपको 20,000 रुपये प्रतिमाह जो वेतन दिया जाएगा। अगर हम दूसरी पद की बात करें तो FLC प्रभारी तथा ये भी सागर और नरसिंहपुर में निकली, एक एक पद, टोटल दो पद है, यानी कि सागर में भी दो पद है और नरसिंहपुर में भी दो पद है। अब बात कर लेते हैं FLCC प्रभारी सागर एवं नरसिंहपुर में क्या योग्यता मांगी गई है। तो योग्यता का है स्नातक या स्नातकोत्तर सहित ग्रामीण विकास प्रश्न से सेवानिवृत्त अधिकारी, जैसे कि कृषि वित्त अधिकारी, ग्रामीण विकास अधिकारी, बैंकिंग की मुख्य धारा में परिवर्तित कृषि अधिकारी, अग्रण जिला प्रबंधक तथा प्रशिक्षण केंद्र कॉलेज का संकाय प्रमुख, संकाय सदस्य। वेतनमान आपको 25,000 रुपये प्रतिमा दिया जाएगा। ठीक है, FLC में आपको योग्यता क्या चाहिए, या तो आपका स्नातक हो या स्नातक, तो इसमें से दो तो आपको जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि कृषि वित्त अधिकारी हो अगर आप रिटायर्ड, कृषि विकास अधिकारी हो, बैंकिंग की मुख्य धारा में परिवर्तित कृषि अधिकारी हो, या अग्रणी जिला प्रबंधक हो, या कॉलेज या संकाय प्रमुख हो, या संकाय सदस्य हो, इसमें से केवल आपको एक तो स्नातक या स्नातकोत्तर जरूरी है। इसमें से आपको एक कोई, मतलब इनमें से दो कोई अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन किस प्रकार से करना है तो वो भी हम आपको देख ले बता देते हैं। इस संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी, पात्रता, आवेदन पत्र आदि बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड करी जा सकती है। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय सागर में डाक द्वारा आप आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 7/12/2024 है। आप 7/12/2024 से पहले पहले ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं डाक द्वारा। ठीक है, डाक द्वारा ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। जो आपको एड्रेस है वो क्या रहेगा, आपका क्षेत्रीय कार्यालय 7 सिविल लाइन यूनिवर्सिटी रोड सागर, और यहाँ पर आपको RCT एवं FLC सागर नरसिंहपुर हेतु कॉन्टेक्ट आधार पर ये भी आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको पूरी देखने को मिल जाएगा प्राधिकारी आदि के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा, ये एड्रेस आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं। आप ऑफलाइन आवेदन फॉर्म आप www.centralbankofindia की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।